हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज है संडे और इनका भी थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है, इनके बुखार आ रहा है लेकिन फिर भी इनको हमने काम पे लगा लिया है कि चलो कुछ नहीं सही तो ब्रेड सेको और मैं चाय बना रहा हूँ, फटाफट नाश्ता करेंगे। और आज संडे है, वैसे पूरा दिन खाली है लेकिन इन इन जो शख्स हैं इनको पूरा पूरा आराम दिया जाएगा, सोएंगे और इनके साथ साथ मैं सो खाना बनाएगा। अब खाना वाना तो बना ही देंगे थोड़ी देर में लिए। तो अभी फिलहाल हम नाश्ता जो है हल्का कर रहे हैं, चाय और ब्रेड। तो बस अभी हम जाके ब्रेड वगैरह ले आए हैं और इनके लिए जो जो फेवरेट फेवरेट चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि ये नया बिस्किट आया, इनका फेवरेट है, मज़ा आता है इनको खाने में, तो वो भी लेके आए हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, बनाते हैं फटाफट से, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, पूरा नहा लिया आराम से, एकदम बढ़िया से फ्रेश हो गए हैं। और आज संडे का दिन है तो बस पूरे दिन आराम ही करना है। तो फिलहाल अभी इनकी जो तबीयत है वो सही नहीं होने का नाम ले रही है, बुखार फिलहाल नहीं आया अभी, लेकिन क्या बताएं, अभी इनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है। तो अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा सा दवा देते हैं और वो मतलब पानी से वगैरह से रुमाल से पोंछते हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद सोते हैं, उसके बाद जो करेंगे आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में। भाई शाम हो चुकी है अभी और हम लोग सो सा के मतलब सोए नहीं हुआ था और बस हम लोगों ने टीवी भी देखी साथ में। और ये देखिए अब शाम का खाना बना रही है, चने वगैरह की सब्जी है, पता नहीं क्या क्या है, तो ये बनाने में बिजी है थोड़ा सा। और इनकी जो तबीयत देख हालत मतलब इनका फेस देख के लग रहा होगा आपकी इनकी तबीयत कैसी है, बताओ कैसे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तभी वो होता है ना कि किचन बिना इनके काम के अधूरी रहती है, तो मैं चाहे जितना काम कर लूँ तो मैं फैला देता हूँ सारा काम। फिलहाल मैंने अभी आज पूरे दिन कुछ फैलाया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा काम ही किया है। तो अभी इनको खाना बना देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग खा के बैठे हैं और खाने के बाद भाई मेरा जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है बूंदी के लड्डू। और बूंदी के लड्डू मुझे मतलब इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं कि मतलब कोई भी बूंदी के लड्डू हो, मुझे दो चीज़ें जो मतलब नहीं है, मोती चूर है। अरे यार बूंदी का है ये मोती। तो मुझे दो चीज़ें, एक मोती चूर का लड्डू और एक बताशे, कैसे भी दुकान खिला दो, कैसे भी हो खिला दो, मतलब एकदम निहायत घटिया नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा बेसन हो तो बढ़िया है और फिर देसी घी हो तो बात ही अलग क्या है। तो मतलब इतनी मज़ा आती है कि कभी कभी, अभी दिन में मैंने खाया था और ये रूम के बाहर गई थी तो मैंने दूसरा उठा खा लिया। हम आके घुसते ही कह रहे हैं कि देखो हम नहीं थे तो तुमने दूसरा उठा लिया, तो चोरी थोड़ी की है, बस ज़्यादा ही खाया एक लड्डू, क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखो ऐसे घूर रहे जैसे हम खा जाएंगे, हमने एक लड्डू क्या खा लिया, बताओ बताओ। लड्डू खाने से दिक्कत नहीं है, लड्डू नुकसान करेगा तुमको इस बात से दिक्कत है। ओह माय गॉड, लड्डू मुझे नुकसान करते हैं तो इसलिए मैंने एक ही खाया अभी फिलहाल। इनसे मैंने अभी कहा कि मुझे कुछ खाना है, मतलब भूख लग रही थी मुझे, और ये कह रहे हैं कि मैं क्या दूँ खाने के लिए, ये एक्सक्यूज दे रही मेरी तबीयत खराब है, हालांकि वो पहले से ही मेरी तबीयत खराब है। इसको एक्सक्यूज नहीं कहेंगे। ओह माय गॉड, तुमने रोटी बनाई ना। यस, आपने मेरे लिए रोटी बनाई, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। पर आपकी तबीयत देख के मुझे मजा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है। सबसे गंदी चीज क्या हम बनाए नहीं है। छी, दूर जाओ, दूसरे बिस्तर पे जाओ। ओके तो यही सोएंगे। देखो देखो देखो, दिल वाला लेके उड़ के सो गई। इनकी तबीयत जो है ना थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन अभी मतलब अभी ऐसी है, बिस्तर पे हैं। अभी मैंने इनसे कहा कि मैंने कुछ खाने मन हो रहा रात में यार, जब दिल हो जाती है ना खाना खाए तो बहुत तेज मन करता है कुछ खाने का। तो अभी आज मैं लाया था बीकानों की भाकरवाड़ी, भाकरवाड़ी मुझे नाम पता नहीं कहाँ का है, राजस्थान गुजरात का है, लेकिन जो चीज़ है ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अभी मैंने कहा इनसे तो इन्होंने याद दिलाई थी कि वही खा लो, तो मैंने अभी निकाला है। तो ये ऐसी होती है, मम्मी लाई थी ना कानपुर में, मम्मी पापा, तब हमने खाया तो मुझे याद आया कि ये मेरा फेवरेट था, तब फिर और लाया गया। मम्मी ने देखा कि मुझे पसंद है, मैं मुझे जितना घर में था थैली भर के ले लिया था, जो बड़े खाओ आराम से।
इस बार तो मीठा मना कर दिया। मम्मी रक्षाबंधन के अगले दिन मीठा रख रही थी, कुछ नहीं, वहाँ से जो मम्मी ने बनाया था मालपुआ और जो रसगुल्ले बनाए थे वो ले गया थे, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन खा ही नहीं पाए थे, पेट इतना भर गया था। और अगले दिन खाने में इतना टेस्टी लग रहा था, मज़ा आ गई थी। तो अभी अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।